हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। बहुत कम ऐसा देखने के लिए मिलता है कि यूपी में भी शिक्षक भर्ती को लेकर कोई अपडेट जारी हो, खास तौर पे नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में, क्योंकि पुरानी शिक्षक भर्तियों के बारे में तो समय समय पर जानकारी आती रहती है, लेकिन नई शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी लगातार इंतजार करते रहते हैं। अब इसी को लेकर एक और जानकारी देखने के लिए मिलती है यूपीपीएससी के माध्यम से बड़ी और नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जहां पे अभ्यर्थियों का एक लंबा इंतजार खत्म हो रहा है और इसको लेकर एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी हुआ है, साथ ही साथ जानकारी भी आज ही के अलग अलग न्यूज़पेपर में दी गई है। डिटेल में बात करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के राजकीय कॉलेजों के अंदर, जल्द आपको जो भर्ती प्रक्रिया है वो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इसके संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। सूबे के राजकीय महाविद्यालयों में 356 असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वो जल्द शुरू होने जा रही है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया है। ऐसे में आयोग जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है। सूबे के 171 राजकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर के 743 के समथिंग जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में राजकीय महाविद्यालय में दो साल पहले 19 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसके चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिल चुकी है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए जो पद खाली रह गए थे उन पदों को भरने के लिए फिर से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो रिक्तियों के अध्याचन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिए गए हैं और इसका जो विज्ञापन है वो यूपीपीएससी के माध्यम से जल्द निकाला भी जाएगा। मुझे जो जानकारी मिली उसके मुताबिक यूपीपीएससी इसका जो विज्ञापन है अगले महीने जारी करने की तैयारी कर रहा है। यानी कि अगर आप भी महाविद्यालयों में राजकीय विद्यालय के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो ये आप सभी के लिए बेहतरीन मौका है कि आप लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि यूपीपीएससी से आने वाली भर्तियों में ज़्यादा विवाद नहीं होता है जैसे कि दूसरी उत्तर प्रदेश की भर्तियां होती हैं। उनमें समय ज़्यादा लगता है, निकाली भी नहीं जाती और इंतजार भी करना पड़ता है, लेकिन यूपीपीएससी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।